सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज अभी हम हैं एकदम गांव के सेंटर में। यहाँ से हमारा पूरा गांव दिखता है, ये देखिए। यहाँ से इधर हमारा खोल भी दिखता है और ये देखिए चाचा जी ने कितने बढ़िया ये यहाँ पे सरसों के पौधे उगा रखे हैं। वो भी कहाँ पे, और यहाँ से पल्ली हॉल भी दिखता है, और ये ऊपर ऊपर डांडा हॉल है वो भी दिखता है। तो यहाँ एकदम गांव का हमारे सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हमारा पूरा गांव दिखता है। तो आज हम लोग जा रहे हैं ऊपर देवी मंदिर में, वहाँ के भी दर्शन करके आ जाते हैं आज। और यहाँ से गांव से लगभग एक या डेढ़ किलोमीटर का ट्रैक है, तो वो दिखाते हैं हम आपको ट्रैक कि गाँव के रास्ते कैसे होते हैं। और ये हमारे गांव का पंचायत घर, महिला मिलन केंद्र चंदोली मल्ली। अभी 2017-18 में इसका निर्माण हुआ है, और जो माननीय विधायक जी हमारे दिलीप रावत जी, उनकी ही सहयोग से महिला मिलन केंद्र है उसका कार्य संपूर्ण हुआ है। अभी हम चलते हैं। और वो ऊपर वहाँ पे मंदिर है, जो देवी मंदिर है वहाँ जा रहे हैं हम लोग। का तेज बोलना चाह रहे तुम। और ये गांव में बहुत अच्छा कार्य हुआ है कि जो जगह जगह में ये सोलर पैनल लग गए हैं। ये दिन भर तो चार्ज होते हैं, शाम के टाइम जब अंधेरा होता है तो ये अपने आप ही लाइट ऑन हो जाती है और सुबह फिर बंद हो जाती है। तो इससे क्या रहता है कि थोड़ा जहाँ पे रास्ता खराब है वहाँ पे चलने में रात को कोई दिक्कत नहीं होती। और ये पहुंच गए अभी हम झिंडी डांड में, झिंडी ढैया में। और यहाँ पे ये पानी की टंकी है, ऊपर से आगे से पानी आता है और यहाँ पे इकट्ठा होता है, फिर यहीं से हमारे गांव के लिए और इधर पखोली गांव के लिए यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कभी हमने क्रिकेट का बचपन में हम लोगों को इतना शौक रहता था, तो कभी हमने इतने से छोटे ग्राउंड में ये देखिए यहाँ पे भी हमने क्रिकेट खेला हुआ है। जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, मेरे गांव के होंगे, उनको पता होगा यहाँ पे हमारी विकेट रहती थी, यहाँ पे विकेट, और वहाँ से बॉलिंग कराते थे और वो बाउंड्री होती थी जो पाइप है वहाँ पे। अब तो कहाँ गए वो दिन जब हमने गांव के सारे चप्पे चप्पे छान रखे हैं। अब तो पूरा जंगल हो गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम गाय चराने के लिए आते थे, अब देखिए आप पूरे यहाँ पे पेड़ ही पेड़ हो गए। और यहाँ से अब हम सीधे जाएंगे, आगे आधा किलोमीटर का ट्रैक और है और पहुँच जाएंगे हम आगे मंदिर में। और ये वाला चीड़ का पेड़ देखिए, इसकी शेप देखिए आप। और यहाँ पे देखिए ये गांव वालों ने ही ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इस तरीके से ये नाली बना रखी है। और यहाँ पे आपको जंगल में ही बहुत सारी औषधियाँ आपको ऐसे मिल जाएंगी। ये देखिए इनमें से एक ये है, ये हल्का सा देखिए पर्पल कलर का है, तो इसका नाम है नीलकंठ।
और ये देखिए, ये है नीलकंठ, इसको बोलते हैं नीलकंठ। ये छोटा सा पौधा होता है नीचे ज़मीन में। कभी क्या होता है कि जैसे किसी को चोट वोट लग जाती है और खून वगैरह निकल रहा हो, तो इसकी पत्तियाँ तोड़ते हैं, इसको हल्का सा ऐसे हाथ में इस तरीके से मस लेंगे, और इसका जो रस निकलेगा उस रस को जहाँ से खून निकल रहा है उस जगह पे लगा देंगे, तो उससे क्या होगा कि जो खून है वो बंद हो जाएगा। अभी आपको दिखाता हूँ मैं करके, इसको थोड़ा अच्छे से मसलना पड़ता है तभी इसका रस निकलता है। ये देखो धीरे धीरे निकलने लग गया इसका रस। ये देखिए ये हो गया, और जैसे किसी पे चोट वगैरह लगती है तो उसके ऊपर से ऐसे इस तरीके से ये जो रस निकल रहा है, ये बूंदे टपक रही है, इसको वहाँ पे लगा देंगे तो जो ब्लड निकल रहा है वो बंद हो जाता है। ये देखिए, तो यहाँ पे जंगल में आपको ऐसे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिल जाएंगी जो कि बहुत ही उपयोगी होती है, तो उनमें से ये है एक नीलकंठ। इसका वैसे प्राकृतिक वैसे नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पहाड़ में इसको नीलकंठ ही बोलते हैं, और ये जंगलों में पाया जाता है। ये ऊपर मिस्टर बजरंगबली, ओए आजा, कैसे दिख रहा, छुप रहा है भाई, ये छुप रहा है, ओए 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 आजा आजा, भाग गया भाग गया। इसका दूसरा भाई भी है ना, ये कूदा ये कूदा। घूर रहा मुझे, और ये हम ऊपर मंदिर में पहुंचने वाले हैं। ये जो मंदिर है एकदम टॉप पे है, अभी मैं ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमने यहाँ पे माता रानी के दर्शन कर लिए हैं, और आपको भी करवा लिए। ये देखिए जो मंदिर है एकदम टॉप पे है, यहाँ से चारों तरफ के गांव दिखते हैं, चारों तरफ जो पहाड़ है सारे एक सीध में, और बीच में ये सेंटर में बसा हुआ हमारे माता रानी का मंदिर। तो ये वही जगह है जहाँ पे अप्रैल के टाइम में 19 या 20 अप्रैल में यहाँ पे मेला लगता है, लगता था। आज से लगभग 10 या 12 साल पहले यहाँ पे बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल का यहाँ पे मेला लगता था, और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते थे। ये आसपास के जितने भी गांव हैं सारे कम से कम 20-25 गाँव के लोग यहाँ पे आते थे मेले में। धीरे धीरे जैसे कि लोग यहाँ पे कम हो गए, तो अब यहाँ पे मेला वैसे लगता नहीं है, बस कुछ ही लोग अब आते हैं, मुश्किल से 15-20 लोग आते हैं। और पहले मैं आप भी आपको दिखाता हूँ, पहले ये एरिया देखिए, ये पूरा रे यहाँ पे चारों तरफ इधर दुकानें लगी रहती थी। जो इस मेले में आए होंगे उनको पता होगा, चारों तरफ यहाँ पे दुकानें रहती थी, बीच में यहाँ दुकानें रहती थी, और यहाँ से लेके आगे तक, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से लेके और एंड तक लगभग यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी तक, वहाँ तक पूरी दोनों तरफ दुकानें रहती थी। लेकिन अब यहाँ पे देखिए आप, समय समय की बात है, अब यहाँ पे मुश्किल से 15-20 लोग भी नहीं आते मेले में। अब सब चीज़ की फैसिलिटीज़ लोगों को मार्केट में ही मिल जा रही है। पहले क्या था कि मार्केट ज़्यादा बड़े नहीं थे, तो साल में मेला लगता था तो लोग यहीं से ख़रीदारी करते थे। और ये सामने नरसिंह भगवान जी का मंदिर,